हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे 2019 में नियुक्तियाँ हुई है उसके बारे में। इससे पहला क्वेश्चन है, हाल में ही रेलवे बोर्ड में के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है, इसका ऑप्शन होगा बी, यानी VK यादव। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, हाल में नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सुधीर भार्गव, यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीवी राधा कृष्णा किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं तेलंगाना के, यानी बी ऑप्शन। उसके आगे, हाल में न्यायमूर्ति चौरन शमशेर जे बी राणा किस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं नेपाल के। अगले क्वेश्चन पर हम जाते हैं, हाल में ही NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है जस्टिस AK सिकारी, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, हाल में अमिताभ चौधरी किस बैंक के MD CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये है अमिताभ चौधरी हुए हैं एक्सिस बैंक के, यानी बी ऑप्शन। हाल में ही LIC के अंतिम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हेमंत भार्गव, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही न्यायमूर्ति आसिफ सईद खोसा किस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के, यानी बी ऑप्शन। हाल में ही CCI के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं PK सिंह, यानी CCI का जो स्टैंड फॉर्म होता है, यानी फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन में जाते हैं, हाल में ही आयुध निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सौरभ कुमार, यानी ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं, हाल में ही MSME पुनद्वार पर RBI पैनल के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये है UK सिन्हा, यानी ए ऑप्शन। MSME क्या होता है? ये इसका स्टैंड फॉर होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, हाल में ही उर्वरक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल में ही छलिबरेंद्र को नियुक्त किया गया है, यानी सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, हाल में ही IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कौन शामिल हुई है? तो ये है गीता गोपीनाथ हुई है, यानी बी ऑप्शन। हाल में ही SSB के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं कुमार राजेश चंद्र, यानी बी ऑप्शन। SSB का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सेना बल। अगले इसी तरह अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल सोलर काउंसिलिंग के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये हैं प्रणव R मेहता, यानी बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, अगला क्वेश्चन में है, हाल में ही MEA में सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये है संजीव अरोड़ा, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, हाल में ही AFMF के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है N राम, यानी बी ऑप्शन। AFMF का फुल फॉर्म होता है अलायंस फॉर मीडिया फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही चार्ल्स कूपरमैन को किस देश का डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है? इसके हैं अमेरिका के लिए नियुक्त किया गया है, यानी बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, हाल में ही ब्रह्मदत्त को किस बैंक से असंकलिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये यस बैंक, यानी बी ऑप्शन। हाल में ही NHRC के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है जयदीप, यानी ऑप्शन नंबर ए। NHRC का स्टैंड फॉर होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। ये हमारे 2019 के प्रमुख नियुक्तियां हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।